नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टैक्सेशन कानून संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी, राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया बिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, निवेश बढ़ाने के लिए नई विनिर्माण इकाइयों के लिए टैक्स कम करना मकसद। 20 सितंबर को जारी अध्यादेश की लेगा जगह विधेयक। संसदीय समितियों की बैठकों में कम उपस्थिति पर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई चिंता। समितियों के चेयरमैन के साथ की बैठक। राजनीतिक दलों को संसदीय समितियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की दी सलाह। समिति की सभी बैठकों में हिस्सा लेने वाले 18 सदस्यों की सराहना। लोकसभा में अलग अलग वजहों से फसलों के नुकसान और किसानों पर पड़ने वाले इसके असर पर नियम 193 के तहत चर्चा। विभिन्न दलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में फसलों को काफी पहुंचा है नुकसान। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने उठाए जरूरी कदम। कालाबाजारी रोकने के लिए जमाखोरों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। मिस्र और तुर्की से 15 दिसंबर तक आएगा 17,000 टन प्याज। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 7 दिसंबर को 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुल 260 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में 15 सीटों पर मतदान संपन्न। राज्यसभा ने आज टैक्सेशन कानून संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। सदन में हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को देश में बुलाने और ताज़ा निवेश आकर्षित करने के लिए ही इस वक्त कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का कदम उठाया गया और इसका फायदा सभी भारतीय कंपनियों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। संसद की मंजूरी के बाद विधेयक कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर 20 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। Quite a few members have asked as to why do we need ordinances? Why can't we do straight ahead with the bill? As I said, waiting for the next budget is by itself a delay which we didn't want, considering the environment which was prevailing all over the world. We wanted to attract investment at the earliest, so we did come ahead with the ordinance. The concessional rates provided in the ordinance and now in this bill, sir, are applicable only to domestic companies. We are not giving to foreign companies at all. Concessional rate of 15% is being offered to manufacturing companies. It's all companies, big, small, medium, micro, all of them get this rate. So long as you are part of the Companies Act, the small ones, medium ones, all of them will benefit out of this. First of all, we established that there is no liquidity problem with the banks. Then we wanted that to be given further to the NBFCs and for the banks themselves to go to the hinterland and not just cities like Mumbai, Delhi or Calcutta. So we said 400 districts, you would go, all the banks and the NBFCs would go and make sure that all kinds of loans are provided for people who approach them following every prudential norms. I hope I've responded to most members and their questions related to the corporate tax reduction and the timing. It was important that India remained competitive in the global scenario. We are making specific attempts to talk to corporate sector captains all over the world to make sure that they come and invest in India, thereby create a greater momentum and opportunities for greater job potential. इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर अध्यादेश लाने, अर्थव्यवस्था की स्थिति और भारतीय कंपनियों के हितों को लेकर सवाल किए।
विधेयक पर चर्चा की शुरुआत से पहले के रागेश ने परिणीत संकल्प पेश किया. We are again claiming that we are going to be one among five largest economies in the world, one among the five largest economies. And during the time of the budget discussion itself, sir, the House opposition had raised various right. concerns on the economy, and we had discussed that the imminent economic crisis. But unfortunately, but we'll government it. Did not accept. I wish to suggest to you that this corporate tax reduction. Is good atmospherics, good headlines, good PR, but is not going to address the structural problems of the economy that is born out of falling consumption and declining investment. I think what kind of a devastation you brought to the economy is evident from the numbers I presented. You have destructed India's poor and their economy. And then you claim to be the great performers or miracle makers. And let me tell you what has been the impact of demonetization in this country. It has led to a formalization of economy. It has led to digitization of economy. It has brought money directly into the accounts, into the pockets of the poor. Withdraw the super D surcharge levied on foreign portfolio investors, and then rolled out a series of measures, including. Corporate tax rate, as I have said, and the proposal to set up a 25,000 crore fund to revive the realty sector. So several measures have been taken, but even though this had no impact on the overall economy of our country, that is why out of this panic reaction, the ordinance was promulgated. Most of our business are struggling because of complicance and harassment which is being created by implementation of laws. There are mainly two reasons why there are suffering Conclude because Vijay of Kumar ji. Government Conclude. Is rigid to come out with the clear guidelines. The government will keep certain laws with the official can misuse. अभी खाली ऐसा नहीं है कि आप ही के सर पर ये बोझा है कि आप देश को अंधेरे से बाहर निकाल लेंगे. हर आदमी जो घर में रहता है, घर के प्रति जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, और अब ये उसका दायित्व बन जाता है कि इस गड्ढे से, इस अंधेरे से हिंदुस्तान को, उसकी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए सब लोग मिलकर कमिटमेंट करें. सो द कंसर्न्स अबाउट द न्यू टैक्स बिल आर दिस दैट बिकॉज ऑफ दिस द एमएसएमईज मे बी लेफ्ट आउट. देन द सेकंड, द डिमांड साइड हैज नॉट बीन एड्रेस्ड. The consumption side not addressed, pump-priping the economy by increasing government expenditure on roads and houses and other things probably could have been thought of. Pornography aur social media ka bachchon par hone wale asar ko lekar gathit Rajya Sabha sadasyon ka anaupcharik samuh ek mahine mein apni report saunpega. Rajya Sabha mein aaj sabhapati M. Venkaiya Naidu ne kaha ki anaupcharik report ke baad is mamle ko lekar aage ke kadmon par charcha hogi. सभापति की चिंता के बाद इस चुनौती से निपटने के लिए सांसद जयराम रमेश के नेतृत्व में राज्यसभा की 14 सदस्य अनौपचारिक समूह का गठन किया गया है. आपको लोगों को याद होगा, कुछ दिन के पहले मैंने सदन में एक विषय के बारे में थोड़ा इनफॉर्मली चर्चा करने के लिए एक ग्रुप के बारे में ऐलान किया और कहा भी, और जयराम रमेश जी को उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा. मैंने विषय के बारे में अध्ययन करने के बाद, थोड़ी मात्रा में सदस्यों से मिलने के बाद, मैंने तय किया इसको एक इन्फॉर्मल ग्रुप के रूप में उनको एक महीने का समय दे रहे, और इसमें सदस्यों का इच्छा और सुझाव को ध्यान में रख के ये इन्फॉर्मल ग्रुप में डॉक्टर अमर पटनायक, डॉक्टर अमी एग्निक, डेरेक ओबेरॉन, जयराम रमेश, जया बच्चन, कहकशन परवेन, राजीव चंद्रशेखर, प्रोफेसर एम वी राजीव गोड़ा, श्रीमती रूपा गांगुली, संजय सिंह, श्री तिरुचि शिवा, श्री वंदना चवन, विजिला सत्यनाथ और डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे इसमें सदस्य होंगे. और किसी को कुछ रुचि है तो भी उनसे बातचीत कर सकते हैं. एंड देन ऑन व्हाट्सएप एंड फोनोग्राफी वो सिविल सोसाइटी ग्रुप से
और कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम वगैरह से, सोशल मीडिया कंपनीज से, बाकी लोगों से आपस में बातचीत करके एक महीने में एक इनफॉर्मल रिपोर्ट बनाएंगे। बाद में उसके बारे में आगे कैसा बढ़ना हम लोग चर्चा करेंगे। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने की घटना की गुरुवार को निंदा की और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को समाज से अलग थलग करने पर जोर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे समाज में संदेश जाए। उन्होंने कहा कि पूरा सदन इस घटना की निंदा करता है। What is needed is not mere arrest in one case. As everybody said, we must send out a signal to the entire country, to the society, that in such incidents, the action should be taken promptly, swiftly, adequately, so that the things cannot be repeated once again. As the other day, we discussed the issue at length. I am not allowing a general discussion, and we will close it here with a caution to all the concerned to act immediately, swiftly, and also appeal to the society to isolate such people and stand by the victims and then stand by the administration whenever they take immediate action and bring pressure on the people concerned that they cannot get away with such incidents and all. समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने मामले को उठाते हुए कहा कि महिलाओं पर यह अत्याचार असहनीय है, इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं महिला सांसदों ने भी इसकी निंदा की। इसमें दोषी जो भी ठहराए जाएं, जो रिस्पॉन्सिबल हों, उन सब के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही, और ऐसी कार्रवाई डिटरेंट पनिशमेंट मिले लोगों को कि अन्य लोग अधिकारी इतने अलर्ट रहें कि अन्य जगहों पर इस तरह की कोई घटना रिपीट न हो सके। मानवता को अगर जिंदा रखना है तो हमें एकजुट होके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसका कोसना चाहिए, इसके लिए सबको खड़े होके जो है एक ही आवाज में बोलना चाहिए। ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां और जिंदा जलाई जाती है। So it's a chilling and really heartbreaking incident what has happened today. Day in and day out we are listening about girls being raped, women being raped all over the country. But today's incident has taken absolutely the ultimate, where a girl, a rape victim going to court has been burnt alive, sir. What can be worse than this? Our women have to be safeguarded. उन्नाव गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने कहा है कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज के तहत देखा जा रहा है। तेजी से जांच के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली एयरलिफ्ट करके लाया गया है। शासन द्वारा, पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है और इसमें वरिष्ठ स्तर पर सभी अधिकारियों ने भ्रमण किया है। आईजी रेंज लखनऊ के नेतृत्व में पूरी विवेचना चल रही है। इसमें जो बयानात कराए गए थे डीडी के फॉर्म पे, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में 164 सीआरपीसी के क्रम में, उस पर 5 व्यक्तियों का नाम बताया गया था। उन 5 व्यक्तियों की तत्परता से पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इस प्रकरण में जो भी वैज्ञानिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनको संकलन किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया हो वो किसी दशा में बच न सके। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों की बैठकों में सदस्यों की कम उपस्थिति पर एक बार फिर चिंता जताई है। उन्होंने आज संसदीय समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। संसद भवन में आयोजित बैठक में सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति समेत सभी समितियों के कामकाज की भी समीक्षा की। बाद में सदन में उन्होंने इसकी जानकारी दी। सभापति ने समिति की सभी बैठकों में हिस्सा लेने वाले 18 सदस्यों का नाम लेकर उनकी सराहना की। एक आज ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव कन्वेड अ मीटिंग ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी and also standing committee of this house and had discussions with them about the need to improve further functioning of these two important bodies. As the chairman of this august house empowered with nominating honorable members of this house,
on various committees of parliament, including the department related standing committees, I would like to share my concern on the functioning of these committees. This morning I have held a meeting with this chairman, eight chairman of the standing committee, and also the chairmans of the standing committees of this house. One standing committee is of both the houses, the other is of this house. All these committees have been reconstituted recently. With statistical evidence, I have highlighted low attendance of members of both the houses in the meetings of the eight department-related standing committees that are with this house. Standing committees are no different in this regard. Department-related standing committees have been conceived as an effective instrument of enabling detailed scrutiny of legislative proposals, besides focused and detailed examination of various issues chosen by these committees for reporting in a bipartisan manner, which may not always be possible in both the House of Parliament. The eight department-related standing committees of Rajya Sabha have been reconstituted in September this year, and have held a total of 41 meetings since then. As you are aware, each committee has 10 members, including the chairman from this house, and 21 from Lok Sabha. An analysis of attendance in all these 41 meetings revealed a very disturbing trend, which I shared with the committee chairman today in the meeting. Of these eight committees, a total of 80 members of Rajya Sabha are represented. Out of these 80 members, 18 members have attended all the meetings of respective committees since September this year. 18 out of 80. 18 of the total 168 Lok Sabha members represented on these eight committees have also attended all these meetings. 18 of 168. I expect the members of this house to be fully present in the meetings of the committees to raise each member of the department related standing committee represents 25 members of the parliament while deliberating in the committee. If one member is absent, the voice of 25 members would not be heard. I hence appeal to leaders of all political parties inside the house, outside also, to ensure quantitative and qualitative functioning of these committees, in whom the parliament has vested an important responsibility of functioning on its behalf. अलग अलग वजहों से फसलों के नुकसान और इसका किसानों पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा हुई. सांसद सुरेश कोडिकुन्निल और गजानन कीर्तिकर ने सदन में ये मुद्दा उठाया. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. चर्चा के दौरान सदस्य समस्या की गंभीरता और इसके समाधान का सुझाव भी उन्होंने रखा. कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है. शाम 5 बजे तक करीब 60% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. इसके साथ ही 165 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है. आज दिन भर मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया. चुनाव के नतीजे 9 दिसंबर को आएंगे. ये उपचुनाव मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार का भविष्य तय करेगा. बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 15 सीटों में से कम 6 सीटें जीतने की जरूरत है. झारखंड में दूसरे दौर के मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया. दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को 20 विधानसभा सीटों पर होना है. इस दौर में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे. इस चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला जमशेदपुर पूर्वी सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां से मुख्यमंत्री रघुवर दास मैदान में हैं. वहीं उनके खिलाफ उनके ही कैबिनेट के मंत्री रहे सरयू राय निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं. दूसरे चरण के चुनाव में 1.5 दर्जन से अधिक दिग्गज चुनाव मैदान में हैं. इस चरण में बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ और मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र समेत कई और उम्मीदवारों की राजनीतिक साख दांव पर है. देश भर में बढ़ती प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है. केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि सभी राज्य सरकारों और जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत लगातार छापेमारी की जा रही है और जमाखोरी पर नियंत्रण किया जा रहा है. प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए MMTC ने 6,090 टन प्याज इजिप्ट से और 11,000 टन तुर्की से प्याज मंगाया है, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच उपलब्ध हो जाएगा.
तुर्की से, और 4,000 टन प्याज जनवरी के मध्य तक बाजार में आ जाएगा, और इसके अलावा 5,000 टन के 3 नए टेंडर भी निकाले गए हैं। स्टॉक लिमिट में 2 दिन पहले फिर से संशोधन किया गया है, जिसके तहत थोक विक्रेता 25 टन और खुदरा विक्रेता 5 टन से ज़्यादा प्याज नहीं खरीद सकते। इस बीच इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.15% पर ही रखने का फैसला किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए फिलहाल रेपो रेट को इस दर पर रखने का फैसला किया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को भी बिना बदलाव के रखा गया है, यानी रिवर्स रेपो रेट 4.90% और बैंक रेट 5.40% रखने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए जाने पर संतोष जताया है। Monetary Policy Committee had discussions during 3rd, 4th and 5th December. It deliberated extensively on the current and evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook. Based on its considered assessment, the MPC voted unanimously to keep the policy rate unchanged. It, however, decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth while ensuring that inflation remains within the target. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया है। इस सम्मेलन में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्किल और स्केल ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में आवश्यक हैं। GEM को अन्य ई कॉमर्स वेबसाइटों का रोल मॉडल बनना चाहिए, जो स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर का समर्थन करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य फोकस उद्योग, शिक्षाविदों और सरकारी संगठनों के लिए एक अवसर तैयार करना है, ताकि वो अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए GEM पर विक्रेताओं के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकें। And ensure that GEM becomes a role model e-commerce site, which ensures all the government orders on the Make in India program on support to MSMEs, support to startups are all complied with, are all encouraged, and are all given that due preference that is the stated objective of the government. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मौजूदा दशक इतिहास में सबसे गर्म दशक होगा। संयुक्त राष्ट्र ने यह बात एक वार्षिक आकलन में कही, जिसमें वो तरीके रेखांकित किए गए हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन मनुष्य को उसके अनुरूप ढालने की क्षमता को पीछे छोड़ रहे हैं। विश्व मौसम संगठन ने कहा कि अभी तक इस वर्ष वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इससे 2019 अब तक दर्ज 3 सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की राह पर है। दुनिया के समुद्र अब 150 साल पहले की तुलना में 1/4 ज़्यादा अम्लीय हैं, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को खतरा पैदा हो गया है। बीते अक्टूबर में समुद्र का वैश्विक औसत स्तर अपने उच्चतम दर्ज पर पहुंच चुका है। पिछले 4 दशकों में से प्रत्येक पिछले से अधिक गर्म रहा है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के पहले आधे हिस्से में 1 करोड़ से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष के अंत तक मौसम में बदलावों के चलते विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 2.2 करोड़ पहुँच सकती है।
पेट्रोल और डीजल कारों से निकलने वाला धुआं सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, जिसके बाद वैकल्पिक तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टोयोटा ने अपनी नई हाइड्रोजन कार लेकर ये आ रही है और इन कारों का एमिशन लेवल शून्य है, यानी ये कार बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेंगी। और वजह यह है कि पेट्रोल से नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये कारें चलती हैं। इसका जायजा आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। आखिर क्या है कार की खासियत, हमारे संवाददाता लीना शर्मा ने बात की टोयोटा के जनरल मैनेजर जितेंद्र गोयल से। बदलते हुए वातावरण का एक मुख्य कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है और इसी के चलते टोयोटा ने इंट्रोड्यूस की है एक नई हाइड्रोजन कार जिसका एमिशन लेवल जीरो है और जो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र गोयल जो कि जनरल मैनेजर हैं टोयोटा से। सर, आप इस गाड़ी के बारे में बताइए और इसकी तकनीक के बारे में हमें बताइए। ये हाइड्रोजन कार है जो कि हम अभी काफ़ी कंट्रीज़ में, जापान में, US, चाइना में बेच रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन टैंक्स हैं जिसमें कि हाइड्रोजन स्टोर की गई है और उसके बाद फ्यूल सेल स्टैक से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ऑन बोर्ड और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये गाड़ी चलती है। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो कि हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। इसमें जो यूनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं वो फ्यूल स्टैक और हाइड्रोजन है जिसके माध्यम से ये गाड़ी चलती है और इसका जो एमिशन है वो केवल वाटर इसमें से निकलता है। ऑन एन एवरेज कितनी चल सकती है गाड़ी, कितने किलोमीटर तक? ये गाड़ी की जो रेंज है वो 650 किलोमीटर की है और इसमें लगभग 5 किलोग्राम का हाइड्रोजन है, सो हर किलोग्राम में ये गाड़ी 120 से 150 किलोमीटर तक चल सकती है। क्या इसके लिए सर हाइड्रोजन स्टेशन अलग से आप इंट्रोड्यूस करेंगे या किस तरह का प्लान है, आगे का क्या फ्यूचर प्लान है इसके लिए? इसके लिए अभी जैसे सब कंट्रीज़ में हाइड्रोजन सोसाइटी डेवलप की गई हैं तो इसी तरीके से इंडिया में भी हाइड्रोजन सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी और उसमें हाइड्रोजन स्टेशंस, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन स्टेशन एंड फ्यूलिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। CBSE हो या CISE या फिर विभिन्न राज्यों के बोर्ड, अब ये परीक्षाएँ शुरू होने के कुछ ही महीने का वक्त बचा है। कई जगहों पर तो प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू भी हो चुकी हैं। इस बीच परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने विद्यार्थियों के लिए जरूरी जानकारी दी है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और इसी के साथ परीक्षा पर चर्चा भी। हमें साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं तनाव मुक्त हों। यहाँ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अगले साल की शुरुआत में होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2020 में शामिल होने का मौका मिलेगा। क्या है परीक्षा पे चर्चा और कैसे ले सकते हैं इसमें हिस्सा, ये पीएम मोदी द्वारा की गई पहल है जिसमें वो विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, उनके साथ परीक्षा पर बात करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। 2019 में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कई विद्यार्थियों को उनसे सीधे बात करने का मौका मिला था। साथ ही देश भर में इस कार्यक्रम का एक साथ प्रसारण किया गया था। कैसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें, इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए आप केंद्र सरकार की वेबसाइट mygov.in विजिट कर सकते हैं। यहां आपको परीक्षा पर चर्चा की आधिकारिक वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर ऊपर ही दिए गए पार्टिसिपेंट टैब पर क्लिक कर आप प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ।